तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक पहाड़ों के बीच में एक सुनसान लैब, जो जिस लैब के अंदर म्यूटू नाम के पोकेमोन के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं। इसमें काफ़ी सारे साइंटिस्ट म्यूटू के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और एकदम से ही देखने को मिलता है म्यूटू अपनी आँखें खोल देता है। और म्यूटू अपनी आँखें खोलने के बाद बोलता है वो सब बाहर चले गए। और वो सब में फिर बाद में हमें सीन चेंज होते हुए दिखाता है एक पार्किंग के अंदर एक कार खड़ी रहती है, वो कार स्टार्ट होकर निकलने वाली होती है। फिर बाद में म्यूटू दिखाया जाता है, म्यूटू फिर गुस्से में होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में। और फिर बाद में म्यूटू वो जो लैब होती है उस लैब को पूरी तरह से तबाह करने जा रहा होता है। जैसे ही वो पूरी लैब तबाह हो जाती है उस वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे लोग मर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, सीन शिफ्ट में हमें देखने को मिलता है म्यूटू ने पूरी की पूरी जो लैब होती है वो तबाह कर देता है। और फिर बाद में लैब के बाहर आने के बाद म्यूटू को दिखाई देती है वो वाली कार, और उनको कार जो होती है वो रोड से अपने रास्ते जा रही होती है, मतलब पता नहीं कहाँ जा रही होती है लेकिन जा रही होती है। फिर म्यूटू उसके पीछे चले जाता है और वो कार कुछ ज़्यादा स्पीड में होती है, म्यूटू उसका पीछा करता रहता है। फिर बाद में वो कार एक ब्रिज के पास पहुँचती है और फिर उस ब्रिज पर जाते के साथ ही उस कार पर एक विस्फोट हो जाता है। और वो देखने को हमें मिलता है विस्फोट होने पे कार पूरी तबाह हो जाती है और नीचे को गिर जाती है। और फिर हमारा स्क्रीन जो होती है वो ब्लैक हो जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है एक प्यारे से शहर में जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। वहाँ पे हमें काफ़ी सारे पोकेमोन देखने को मिलते हैं और पीजीज काफ़ी सारे उड़ रहे होते हैं उन जगहों पर। फिर बाद में हमें दो दोस्त देखने को मिलते हैं जो पकड़ने आए होते हैं एक पोकेमोन को, जिसका नाम होता है क्यूबोन, और इनमें से एक दोस्त का नाम होता है जैक। जैक अपने दोस्त से कहता है कि भाई हम आज यहाँ पे कुछ करने हैं। वो कहता है तुम क्या करना चाहते हो? वो कह रहा है कि आज यहाँ पे हम पोकेमोन पकड़ेंगे, यहाँ पे एक क्यूबोन खड़ा है, हम वहाँ पे क्यूबोन को पकड़ेंगे। वो कहता है ये बहुत गलत बात है, लेकिन वो उसे कन्विंस करता है और फिर बाद में वो तैयार हो जाता है पोकेमोन को पकड़ने के लिए। तो फाइनली हमारा जो हीरो होता है टिम वो तैयार हो जाता है पोकेमोन को पकड़ने के लिए। तो फिर क्यूबोन की तरफ वो देखता है और फिर उसे थोड़ी बहुत बहला फुसलाता है, लेकिन क्यूबोन उसकी बातों से नहीं फिसलता। फिर बाद में क्यूबोन पे डाल देता है टीम हमारा एक पोकी बॉल डालने के बाद उसे लगता है कि पोकी बॉल के अंदर क्यूबोन आ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पोकी बॉल फट जाती है और क्यूबोन बाहर निकल जाता है और क्यूबोन को गुस्सा आता है, तो फिर वो टीम और जैक के ऊपर अटैक कर देता है और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट फिर सीन शिफ्ट होता है एक शहर के अंदर, और फिर उस शहर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं जैक और टीम बात कर रहे होते हैं आपस में। और फिर बाद में जैक बताता है कि मैं टीम इस शहर को छोड़ के जाने वाला हूँ। और फिर जाके टीम हमारा बोलता है, कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी जो लाइफ है अभी बहुत ही ज़्यादा झिकास चल रही है, मैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस देख के बहुत खुश हूँ। और फिर बाद में टीम के फ़ोन पे एक वॉइस नोट आता है और उस वॉइस नोट को जब टीम सुनता है वो वॉइस नोट होता है राइम सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट से। और फिर बाद में उस टीम को पता चलता है कि उसके जो पापा हैं वो अब नहीं रहे। फिर बाद में सीन शिफ्ट होता है एक ट्रेन के ऊपर, उस ट्रेन के अंदर हमें देखने को मिलता है टीम बैठा होता है उस ट्रेन के अंदर। और फिर बाद में टीम बैठे बैठे कुछ सोच रहा होता है, फिर बाद में वो एक न्यूज़पेपर देखता है जिसपे लिखा होता है जिसमें उसके पापा की डेथ लिखी होती है। और फिर बाद में हमें देखने को मिलता है एक लिगिटन, और जो लिगिटन होता है वो टिम के मुंह पे चाट देता है बहुत अच्छी अपनी लिकी टंग से। और फिर बाद में हमें देखने को मिलता है टिम टीवी देख रहा होता है, टीवी के अंदर राइम सिटी के बारे में चल रहा होता है और राइम सिटी की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाल रखी होती है और ये लिखा होता है कि ऐसी चीज़ दिखा रहे होते हैं कि पुराने ज़माने में पोकेमोन की मदद से जो हम लोगों ने बहुत मदद ली है पोकेमोन से। और फिर बाद में पोकेमोन बैटल्स दिखाई जाती हैं कुछ, और फिर एक बंदा ऐसा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है हार्वर्ड क्लिफोर्ड, जो इस राइम सिटी का CEO होता है। और फिर बाद में हमें ये देखने को मिलता है कि जो हावर्ड है उसने जो राइम सिटी में कुछ ऐसे रूल्स डाल रखे हैं कि पोकेमोन को कोई भी अपनी पोकेबॉल के अंदर नहीं डाल सकता और पोकेमोनों को आपस में नहीं लड़ाया जाता इस शहर के अंदर राइम सिटी के अंदर, और सब लोग पोकेमोन और इंसान दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं इस पोकेमोन सिटी में। और फिर हमें देखने को मिलता है टीम जब राइम सिटी में पहुँच जाता है, फिर हमें बहुत सारे पोकेमोन देखने को मिलते हैं राइम सिटी में बहुत सारे। ये देखो बल्बासोर देखने को मिल रहा है। और फिर बाद में सीन शिफ्ट होता है एक पीजी की तरफ, फिर पीजी जा रहा होता है एक बिल्डिंग के पास। फिर नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलती है राइम सिटी के अंदर काफ़ी सारे पोकेमोन्स, और फिर बाद में यहाँ पे जो टीम होता है वो चल रहा होता है रास्ते में, उसे काफ़ी सारे सीन्स देखते हैं पोकेमोन्स दिखते रहते हैं बहुत सारे पोकेमोन्स जो रास्ते में खुलेआम डोल लेते हैं। लेकिन टीम को जो ये है वो अच्छा नहीं लगता कि इतने सारे पोकेमोन्स उसके पास होते हैं। फिर वो फाइनली पहुँच जाता है राइम सिटी के पुलिस स्टेशन में, जिसमें वो मिलता है योशिदा से जो उसके पापा के फ्रेंड होते हैं, और उनका एक पोकेमोन होता है जिसका नाम होता है स्नोबॉल। तो फिर वो उसको देखते रहता है और स्नोबॉल उसे बहुत गुस्से की
बाहर सिर्फ कोल स्मेल करे हुए होते हैं और वो पागल हो जाते हैं, एकदम पागल से हो जाते हैं। वो टिम और पिकाचू पे अटैक करने लग जाते हैं। फिर बाद में टिम जो होता है वो पिकाचू के साथ भाग रहा होता है, मतलब कुछ जो एबम होते हैं उनसे बचने के लिए भाग रहा होता है, भागता रहता है। और फिर बाद में भागते भागते वो टेरेस के पास आ जाते हैं और टेरेस के पास आने के बाद वो दोनों के दोनों आपस में कहते हैं, मतलब पीका चुके हैं तो मतलब काफ़ी लोगों से कहते हैं, ऐसे बड़बड़ा रहा होता है कि इसे बचाओ इसकी इज्जत लुट जाएगी ये वो। फिर बाद में पीका चू कहता है तुम्हें यहाँ से हमें रास्ता मिल के निकलने का। वो कहता है कहाँ है, वो कहता है यहाँ है वो। फिर बाद में वो कहता है मैं इसमें नहीं जाऊँगा। वो एक कचरे का डब्बा होता है जिसमें वो जाने के लिए मना करता है, लेकिन फिर बाद में ए बॉम्ब्स को पागल हुआ देखते हुए वो कहता है चलो ठीक है इसके अंदर से चले जाते हैं। फिर बाद में चले जाने के बाद वो मतलब अपने उसके कपड़े काफ़ी सारे उतर चुके होते हैं ए बॉम्ब्स लड़ते समय। तो फिर वो बाजार में जाके बाजार में जाके बोलता है कि पिकाचू ये मेरा पिकाचू बात करता है तुम इसे सुन सकते हो। फिर बाद में वो लोग कहते हैं कि नहीं मैं इसे नहीं सुन सकते, मतलब वो मतलब ऐसे मजाक कर रहे होते हैं। पिकाचू के मुंह से उन लोग कुछ नहीं देते पीका पीका, लेकिन वो लोग बात नहीं करते। और फिर बाद में टिम का दिमाग खराब ही हो रहा होता है, लोग टिम को पागल समझते हैं क्योंकि टिम ने आधे कपड़े पहन रखे होते हैं। पिकाचू से बोलता है तुम रहने दो क्योंकि तुम मुझे सुन सकते हो लेकिन ये लोग नहीं सुन सकते, तो फिर ये लोग तुम्हें पागल ही समझेंगे। फिर बाद में टिम इसकी बातों पर भरोसा करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है।